नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों देखिए, मेरे पास एक ब्लोअर है। दोस्तों इस ब्लोअर का आर्मेचर गया हुआ है, तो हमने डालने वाला आर्मेचर दोस्तों हमने खोल के चेक किया था, इसका आर्मेचर गया हुआ है। ये दोस्तों देखिए, इसको डालना है आर्मेचर अपने को, तो सबसे पहले अभी नट खोल लें ऊपर के चार स्क्रू। अब दोस्तों मैं चार स्क्रू खोल लेता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं नट खोल ली सभी, अभी आराम से निकाल लेना है। फिर दोस्तों अपने को ये निकालने का है ये नट। दोस्तों बहुत टाइट रहता है, कभी कभी चिपक जाता है ये। डालिए ऐसा आराम से, उससे आराम से करना, टूट जाएगा ये, आराम से निकालना है। फिर दोस्तों अभी अपन तीन स्क्रू इसको खोल देने का है। तो उसके बाद पहले आप कार्बन निकाले बाहर। दोस्तों क्या करना है, आप लोगों यहाँ पे ऐसा गैप बनाएं, इसको आराम से निकल गए। फिर आपको आर्मेचर निकालने बाहर। दोस्तों कि हमारा आर्मेचर खराब है, शॉर्ट हो गए यहाँ पे। दोस्तों क्या करें, इसका साइड में रख दें अपने। पहले क्या है, इसका बेयरिंग निकालना पड़ेगा। दोस्तों बेयरिंग निकालने के लिए अभी दो टांग का ब्लोअर पड़ेगी। दोस्तों देखिए, इसको आप ऐसे रख लें और आपका ब्लोअर को इस तरह लगा दें। हाँ दोस्तों देखिए, बेयरिंग निकल गया हमारा। अभी आपको दूसरा बेयरिंग भी ऐसे निकालने का है। दोस्तों देखिए, हमारा दूसरा बेयरिंग निकाल दिया। दोस्तों बस आपको भूलना नहीं है लगाना, लगाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, ये हमारा आर्मेचर नया है, ये हमारा नया आर्मेचर है, ये खराब रहा है। मेरा फोटो खींचना है। दोस्तों देखिए, अभी मैं बेयरिंग ठोकने का है। दोस्तों बेयरिंग ठोकने के लिए आप क्या करें, पहले वासर लगा दें और आप इसको ऐसा लग दें। दोस्तों देखिए, मेरे पास सीलिंग फैन का साफ्टिंग है, ये बराबर अंदर वाला जो कोन है उसकी साइज का है। ये ठोकेंगे कोई दिक्कत होगा नहीं, आपका बेयरिंग सही और बैठ जाए आराम से। दोस्तों देखिए, हमारा बैठ गया बेयरिंग, आपको पिक्चर भी सेम ठोकना है सही। दोस्तों क्या करना है आपको, सीधा इसको लेके। दोस्तों बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है।
हाँ दस लेके बैठ गए, दोस्तों देखिए ये आपको दिख रहा है, ये खजा इसके अंदर चाहिए बस, ये इसमें आएगा बड़ा परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ वही देखना है इसके अंदर और कुछ देखना नहीं है। हाँ दोस्तों देखिए बैठ गए, बहुत आसान है, जब डालते हैं कटर मशीन में आर्मेचर उससे भी सरल है ये, बहुत ही सरल। अब इसको पूरा टाइट करना है दोस्तों, मैं टाइट करता हूँ उसको दोस्तों, फुल टाइट करना है अपने को, ढीला नहीं छोड़ना है। हाँ दोस्तों देखिए टाइट हो गए एकदम फ्री है दोस्तों, ये फ्री होना चाहिए, आप इसको हल्का से टप्पू जाए बस फ्री हो जाएगा, देखिए एकदम फ्री हो गए। उसके बाद दोस्तों ये खाचा रहता है, आप खाचा देख के सुना दें, हाँ दोस्तों बैठ गए। रिवासा लगा दे, दोस्तों नट टाइट करना है अपने को, ढीला नहीं छोड़ना है, तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ टाइट हो गया, तो सर नीचे लग रहा है तो फिर से खोलना पड़ेगा दोस्तों, देखिए लट रहा है इसमें, अगर लटता हो तो क्या होता है, इसको हल्का सा इसको इस तरह से उठा देंगे, दोस्तों देखिए अभी ये फ्री है, अब क्या क्या लगाना है कार्बन इसके अंदर दोस्तों, देखिए कार्बन है दोस्तों, कार्बन डालेंगे देखना आपको फ्री रहना चाहिए, एकदम टाइट नहीं रहना चाहिए, एकदम फ्री रहता है कार्बन दोस्तों, कोई भी डालें आप, ड्रिल मशीन हो, कटर मशीन हो, मिक्सर हो या किसी का भी हो, एकदम फ्री होना चाहिए दोस्तों। छोटा अंदर ज़्यादा गड्ढे में तो ज़्यादा इसमें जाता नहीं जल्दी, लेकिन जाएगा ये कार्बन इसी साइज का है दोस्तों, देखिए चला गया है, उसको बराबर इसके अंदर लेके गोल वाले इसको टाइट करने का है दोस्तों, टाइट करेंगे आराम से करना है, हाँ दोस्तों टाइट हो गए, आपको इस साइड भी कार्बन लगा देना है इसे ही, हाँ दोस्तों देखिए कार्बन हमारा लगा दिए अभी, और इसको भी आप टाइट कर दें, दोस्तों पहले चेक करते हैं सीरीज में कि हमारा क्या हाल चाल है, हाँ दोस्तों चल तो रहा है, हम लगाता मेन में, दोस्तों इसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, एकदम फुल स्पीड रहता है, एकदम जोरदार हवा रहता है दोस्तों, बाद में आपको ये कवा लगा देने का है और देखने का ही कहीं टट्टा तो खैर होगा नहीं, कहीं टच होने की चांस ही नहीं है, क्योंकि खाचा बनाया हुआ है तो टच होने की कपड़े नहीं है, दोस्तों देखिए हमारा टाइट हो गया स्क्रू दोस्तों। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हर दिन
डालता वीडियो में, जो वीडियो डालता हूँ मैं सब आपके लिए उपयोगी रहेंगे। आप चाहेंगे वीडियो देख के काम सीख सकते हैं। दोस्तों टाइट हो गए, एक बार जरा फिर चेक करते सीरीज पहले। हाँ दोस्तों ठीक घूम रहा है। दोस्तों इसका मेन काम है धूल मिट्टी उड़ाना, ये इसका मेन काम है। इस तरह से आप डोर का अंदर लगा सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि डाले वीडियो में उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों को समझ में तो कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। अपने दोस्तों को शेयर भी करें। दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।